स्वागत है, आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में प्रथम राष्ट्रीय सरला बिरला पब्लिक स्पीकिंग कॉन्क्लेव का सफल समापन हुआ। इसमें 36 स्कूल, 11 राज्यों और 2 देशों के 530 विद्यार्थी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को एक मंच प्रदान किया गया। इसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिला। साथ ही इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित लोग वर्चुअली भी जुड़े। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्कूल परिवार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही आपको बता दें कि विद्यालय के सचिव बीके दलान ने राष्ट्रीय स्तर के इस कॉन्क्लेव की प्रशंसा करते हुए समस्त विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी है। स्कूल जो कि 13 साल कंप्लीट किए, फाउंडेशन डे हमारा 20 तारीख को होता है, और स्कूल ने इन सालों में जो भी अचीव किया बहुत कम समय में अचीव किया, क्योंकि हमारे फाउंडर्स का हमेशा से ये सपना रहा है कि हम इंडियन इथॉस बच्चों में भरें, इंडियन वैल्यूज बच्चों में भरें, और बच्चे कहीं पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें तो दिखना चाहिए कि ये वैल्यूज, ये मॉरल प्रिंसिपल्स बच्चे सीखे हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन के पीछे ना भागें, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में भागें। मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कॉन्क्लेव का और जनरली कॉन्क्लेव्स का बच्चों के साथ, वो ये है कि जब बच्चे लौटेंगे क्लासरूम में इनकम्प्लीट फुल फोर्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12, इट विल बी अ डिफरेंट चाइल्ड। वो चाइल्ड पैंडेमिक से पहले वाला चाइल्ड नहीं होगा। वो चाइल्ड और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, और ज्यादा मुद्दे उठाएंगे, और ज्यादा सवाल पूछेंगे, बोथ कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल ज्यादा। और ये कॉन्क्लेव्स, वो जो सवाल उनके मन में घूम रहा है, द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द पैंडेमिक, उसमें जो क्रिएटिविटी का इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये कॉन्क्लेव्स वो सवाल को ज्यादा सशक्त बनाएंगे। विद्यालय के संस्थापक श्रीयुक्त बसंत कुमार बिरला जी की जन्म शताब्दी के समापन समारोह, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती और डॉक्टर सरला बिरला जी के आगामी 100वें जन्म जयंती वर्ष के उपलब्ध में इस कार्यक्रम का आयोजन सराहनीय है। It is a matter of great pleasure that 530 students from 36 schools, 11 states and 2 countries are participating in the conclave. I appreciate Dr. Pranab Mukherjee, an acclaimed visual arts and knowledge resource curator, for conducting the national level conclave successfully. During the past year, Sarla Birla group of schools has conducted several virtual conclaves so that children from all over the country do not miss on any aspect of learning even during the pandemic and can continue with unimpeded art integrated learning from the safety and security of their homes. The beginning of the centennial year of the birth anniversary of Sarla Devi Birla ji, and last but not the least, 75th years of Indian independence. So dear students and teachers, you must have learned so many things regarding public speaking, as you had a very learned speaker who has taught you, the great person Dr. Pranab Mukherjee. And you must have learned, as I told you, again repeating, many things regarding public speaking. This public speaking gives you confidence, and also you understand how to organize the materials before you go to the dais. Definitely, you have to understand the psychology of the audience, who is the target audience. And